जितने इम्पोर्टेंट तुम्हारे लुक्स है अट्रैक्टिव दिखने के लिए, उतनी इम्पोर्टेंट तुम्हारी हाइट भी है। जिन लोगों की हाइट ज्यादा होती है लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड गर्ल्स को ज्यादा हाइट वाले लड़के पसंद आते हैं। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ स्ट्रेचिंग एंड जेनेटिक्स ही हाइट तुम्हारी बढ़ा सकते हैं तो तुम गलत हो। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिससे तुम्हारी हाइट जरूर बढ़ेगी, सो इस वीडियो को तुम एंड तक देखना। नंबर 1, प्रोसेस। जब तुम्हारी बॉडी में GH यानी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है तो तुम्हारी हाइट एंड तुम्हारी सारी बॉडी की ग्रोथ होती है। जेनेटिक्स का रोल होता है तुम्हारे हाइट को इंक्रीज करने के लिए 90%, एंड दैट्स ट्रू। एंड एक तुम्हें मैं थ्योरी बताता हूँ, जितनी हाइट तुम्हारे फादर की रहेंगी उससे तुम्हारी हाइट 1 या 2 इंच तुम बढ़ा सकते हो, पर अगर तुम एफर्ट्स नहीं लोगे तो तुम्हारी हाइट आइदर तुम्हारे फादर की हाइट जितनी रहेगी या उससे कम भी रह सकती है। उसके बाद तुम्हारा डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी हाइट कितनी हो सकती है। अगर तुम अपना डाइट अच्छे से लेते हो जैसे मैं आगे कवर करूंगा तो तुम्हारी हाइट एक अच्छी पोटेंशियल तक रीच हो सकती है। उसके बाद आता है तुम्हारा लाइफस्टाइल। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत बकवास है, बहुत घटिया है तो उससे भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे डाइट में जो न्यूट्रिशन होता है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है तुम्हारी हाइट को तुम्हारे ग्रोइंग एज में। अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है इसका मतलब हो सकता है कि तुम अपना न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं ले रहे हो। अगर तुम इन फूड्स को कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी हाइट जरूर बढ़ेगी। नंबर 2, फूड्स। मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है बोन्स के फॉर्म में। एंड जब तुम्हारी बोन्स कैल्शियम को अब्जॉर्ब करेगी उसका न्यूट्रिशन हाई होगा तो तुम्हारी बोन्स की लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब बोन्स की लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी। मिल्क से तुम्हें प्रोटीन मिलता है जो तुम्हारे ग्रोइंग एज में तुम्हारी बॉडी के सिंथेसिस प्रोसेस, तुम्हारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर तुमने अपने बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं दिया तो तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं करती एंड तुम्हारी हाइट को भी ग्रो नहीं करने देती। अब तुम्हें कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए? सिंपल सा रूल है, जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उतने ग्राम तुम्हें प्रोटीन खाने चाहिए। सपोज अगर तुम्हारा बॉडी वेट 60 kg है तो तुम्हें 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना पड़ेगा। प्रोटीन रिच फूड काफी ज्यादा इंडियन डाइट में अवेलेबल नहीं है, पर अगर तुम ये फूड्स खाते हो जो प्रोटीन रिच है तो उससे तुम्हें काफी ज्यादा प्रोटीन मिलेगा जो तुम्हारी बॉडी के सिंथेसिस प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा एंड तुम्हारी हाइट रुकेंगी नहीं बल्कि बढ़ती रहेंगी अपने ग्रोइंग एज। प्रोटीन फूड जब तुम कंज्यूम करोगे तुम्हारी हाइट तो बढ़ेगी, पर प्रोटीन फूड खाने के बाद वो एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में, जो नहीं हो पाएगा अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो। कुछ लोग एक्सरसाइज के नाम पर कार्डियो करते हैं, रनिंग करता है, जो तुम्हारी बॉडी की एनर्जी स्टील करता है एंड ये करने से तुम्हारी हाइट पे इंपैक्ट आएगा, तुम्हारी हाइट रुक जाती है। सो तुम्हें कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे तुम्हारी हाइट बढ़े? नंबर 3, एक्सरसाइजेस। तुम स्प्रिंटिंग कर सकते हो। स्प्रिंटिंग ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है एंड जब तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रेट होगा एंड जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा तो तुम्हारी बॉडी की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। स्प्रिंटिंग ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं है एंड ये तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट्स देता है अगेंस्ट ऑफ कार्डियो एंड लंबी रनिंग करने से बेटर है। जब तुम लंबी रनिंग करते हो तो तुम्हारी बॉडी एक काफ़ी ज़्यादा फास्टिंग स्टेज में चली जाती है जहाँ पे उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जितनी भी तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होती है वो उसे सक कर ले, तुम्हारे नेचुरल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। नंबर 2, जिम। तुम्हारी एक जब परफेक्ट डाइट रहेगी एंड जब तुम जिम जाओगे तो तुम्हारी मसल्स बन पाएंगे, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें जिम रेकमेंड किया। एंड जब तुम जिम जाओगे तो तुम्हें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है? तुम्हें डेडलिफ्ट्स परफॉर्म करनी है, तुम्हें स्क्वाट्स करनी है, तुम्हें बेंच प्रेस करना है, जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज होती है तुम्हें वो सारे करनी है। अब ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर तुम अपनी बॉडी में अच्छा फूड खा रहे हो पर तुम्हारी हाइट रुक सकती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक्सरसाइज नहीं करी। एक्सरसाइज करने से तुम्हारी बॉडी का GH बढ़ता है, तुम्हारी बॉडी जो न्यूट्रिशियस फूड खाएगी वो उसे डाइजेस्ट कर पाएगी एंड तुम्हें रिजल्ट्स दे पाएंगे। एट द एंड तुम अच्छे भी दिखोगे एंड तुम्हारी हाइट भी टॉल रहेंगे एंड तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। ऐसे तो तुम एक दिन में अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो अगर तुम इस चीज़ को फिक्स कर दोगे, जो कि है तुम्हारा पोस्चर। एंड दैट टेक्स मी टू पॉइंट नंबर 4, पोस्चर। एक होता है स्लाउच पोस्चर एंड एक होता है स्ट्रेट पोस्चर। जो भी स्लाउच पोस्चर हम मेंटेन करते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में सभी के स्लाउच पोस्चर हो चुके ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ड्यू टू उनके मोबाइल एडिक्शंस एंड बहुत सारा उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि उनकी स्पाइन मुड़ चुकी है, उनकी नेक मुड़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी हाइट पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पाती है। जब मॉर्निंग में तुम नींद से उठते हो तो तुम्हारी हाइट 1 इंच बढ़ी हुई रहती है। तुम जब सोते हो तो तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेच होती है, बेसिकली तुम्हारा पोस्चर स्ट्रेट रहता है एंड दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट। तुम्हें अपने पोस्चर को ठीक करना पड़ेगा। तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हें कुछ पोजेस करने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जो मैं तुम्हें इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तुम देख लो। तुम ये पोजेस एक्सरसाइज करोगे तो इससे तुम्हारी स्पाइन रिलैक्स स्टेट में, नेचुरल स्टेट में आएंगी, जो कि होता है स्ट्रेट। एंड जब तुम स्ट्रेट चलोगे, जब तुम स्ट्रेट बैठोगे, नेचुरली ज्यादा लंबे दिखने लग जाओगे एक ही दिन। एंड अगर तुम्हें अपना पोस्चर ठीक करना है तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो।
सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बच जाता है जो कि है तुम्हारी रिकवरी। अगर तुम रिकवर नहीं करते हो इस वे में तो तुम्हारी बॉडी रिजल्ट नहीं देंगी। रिकवरी कैसे करते हैं ये बताने से पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम मेरा हाइट ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स एक बार ज़रूर चेकआउट करना जो अपडेटेड है, जिसके ऊपर मैंने 50% ऑफ रखा है। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके जरूर बाय करना। रिकवरी कैसे करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, सबसे ज़्यादा तुम्हारी बॉडी रिकवरी तभी करेंगी जब तुम स्लीप में रहते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम अच्छी डाइट लोगे, जब तुम अच्छी एक्सरसाइज लोगे, जब तुम अपना पोस्चर ठीक रखोगे तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन स्लीप में रिलीज करेगी। जब वो स्लीप में रिलीज करेगी तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर होगी एंड डेली डेली तुम्हें चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सबसे बेस्ट टाइम होता है स्लीप में रिकवरी करने का जो कि होता है रैम स्लीप, जो कि सिर्फ अवेलेबल रहती है 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ तुम्हारी क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है। रैम स्लीप वो होती है जिसमें तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती है एंड तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर कर पाती है। तुम्हें बेसिकली 10 या 11 बजे तक सो जाना पड़ेगा। अगर तुम लेट सोते हो, अगर तुम जानबूझ के लेट सोते हो, फोन स्क्रोल करते हो, चैटिंग करते हो, तो तुम्हें वो कम करना पड़ेगा ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि अगर तुम्हें क्वालिटी स्लीप चाहिए, क्वालिटी ग्रोथ चाहिए, तो रैम स्लीप तभी अचीव हो पाएगी जब तुम जल्दी सोओगे। बेस्ट टाइम होता है 7 to 8 आवर्स जब तुम डेली सोओगे। अगर तुम 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, सुबह 6-7 बजे तक भी उठते तो भी चलता है, बट अगर तुम 4 बजे सोते हो, 12 बजे उठते हो, 3 बजे 1 बजे सोते हो, तो वो काम नहीं करेगा, तुम्हारी बॉडी रिकवर एंड बेनिफिट्स नहीं देगी हाइट बढ़ाने के लिए। इन स्टेप्स को तुम फॉलो करना ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर होकर तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स दे एंड मेरा हाइट ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स भी जरूर चेक करना। अगर तुम जानना चाहते हो कि हाइट इंक्रीज करते वक्त तुम कौन सी मिस्टेक्स करोगे तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ताकि आप कोई भी मेरे वीडियोज मिस ना करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।